नमस्कार, नेशन अपडेट .in में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आरक्षी केंद्र शक्ति के ग्राम हरदा परसदा में कचरा उठाने के नाम पर दो गुटों में मारपीट हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिमरन बाई पति लीलाधर सिदार निवासी ग्राम हरदा परसदा ने बताया कि भागीरथी रोशन रेशमा व खीक बाई बरेट ने ग्राम के ही सिमरन बाई लीलाधर को कचरा हटाने की बात कहकर मारपीट की व मारपीट करने वाले ने 112 को फोन कर मार खाने वालों के विरुद्ध ही रिपोर्ट दर्ज करा दी। पीड़ितों ने बताया कि वे आरक्षी केंद्र शक्ति में सुबह 9 बजे से बैठे हैं, किंतु उनकी कोई सुनवाई आरक्षी केंद्र में नहीं हो रही, जबकि दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष पर ही मारपीट का आरोप लगाया है। हमारे संवाददाता ने शक्ति TI मनीष तैयार से जब इस संबंध में पूछा तो उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है। लड़े झगड़ा में छोड़ा है सुमरन और रोशन, ऐसे मार पीट हुई से फिर और रोशन सफल धल रही से तो फिर छोड़ा भाव बन गए हैं। वो छोड़ाने वाला बन के भी नाम लिखा दे राम प्रवेश कलेंद्री सुमरन सुमित्रा और गणेश मन छोड़ाने वाला उप सरपंच बोले समझौता हो जावा तो ये मन बोले पुलिस गाड़ी बोला फिर हम अपन अपन घर चल दे रहे तो ये मन बुला लीस तहले अब हमारे बुले सो करा छोड़ाने वो वाला मन ला तो हमें छोड़ा है ज्यादा लड़े झगड़ा नहीं हुआ ज्यादा गिरे है कहें गिरे है कहें तो नहीं हम केस कर बस नहीं तो पुलिस वाला उनके तू मन जाओ केस करे हम पहले के आ गए 9 बजे के और बाद में उमन की रिपोर्ट दर्ज नहीं करे उमन बाद में उमन की रिपोर्ट दर्ज हो गई रिपोर्ट शास्त्री जमीन मान बोरिंग शास्त्री अब फूटा कर पाँच लाख रूम दी सी तो मैं कहें 5 लाख बस के तो बात भी बात बाहर कोरोना से जंग अब भी जारी है। ऐसे में बार बार नेशन अपडेट की टीम आपसे अपील करती है कि आप घर में रहें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार की सलाह माने, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, अब खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल nationupdate.in।